Hello everyone, and this is going to be a really interesting video for you because in this video you are going to learn advanced spoken English practice, plus also I'm going to test your memory that how longer you can remember the things. And for that I am going to ask to you two questions from this video by the end of the video. And also don't forget to share this video with someone, and if you're watching this for the first time then subscribe my channel. So the first sentence we have is, देखो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती. लुक इफ़ आई हैड टाइम आईड गो विद यू. सेकंड, जब वापस आओ तो मुझे खबर कर देना या मुझे बता देना. लेट मी नो व्हेन यू कम बैक. लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना या मुझे खबर कर देना. अगला, वैसे तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा. एनीवेज इट्स नाइस टू मीट यू अगेन. नेक्स्ट इज, वो कुछ ही मिनट पहले निकली है. She left a few minutes ago. She left a few minutes ago. Next, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो उससे मिल सकती थी. If you had come a little earlier, का मतलब तुम थोड़ी देर पहले आ जाती या आ गई होती, you could have met him. तो तुम उससे मिल पाती. ठीक है. अगला, कृपया मुझ पर एक और एहसान कर दो. Please do me one more favor. Please do me one more favor. Next, अगर वो आज आ जाए तो कहना मुझे कॉल करे. इफ़ ही कम्स इन टुडे टेल हिम टू कॉल मी. नेक्स्ट, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे, आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग. इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉन्ट टू आस्क टू यू समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज, पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया पर ये सच नहीं है. यानी कि ये बात सच नहीं है. तो आप बोलेंगे, आई डोंट नो हु टोल्ड यू दिस बट दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके. नेक्स्ट इज, उसने मुझसे कहा था कि वो 2 बजे तक यहाँ आ जाएगी. शी टोल्ड मी शी वुड बी हेयर बाय 2 o'clock. नेक्स्ट इज, मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ आ रही है. आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता She is coming here today. कि वो आज यहाँ आ रही है. I don't think she is coming here today. Next is, माफ़ करना मैं जल्दी नहीं आ सकी. क्वा बोलेंगे आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ करना. I couldn't come sooner. मतलब मैं इससे पहले नहीं आ सकी. I couldn't come sooner. Next is, सच कहूँ तो कल तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. Honestly speaking, यानी कि मैं सच कहूँ तो I didn't know anything about it till yesterday. Honestly speaking, I didn't know anything about it till yesterday. Next is, मैं एक बार भी उससे नहीं मिली. I haven't met her even once. Next is, तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो. You have always been a good friend of mine. Okay? You have always been a good friend of mine. Next is, तुम तो पिछले 5 सालों में काफ़ी बड़ी हो गई हो. You have grown up a lot in the last 5 years. Grown up मतलब होना है, होता है बड़े हो जाना. ठीक है. और last 5 years मतलब पिछले 5 साल में. अगला, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुश हूँ. आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर. आई एम सो ग्लैड टू सी यू हेयर. नेक्स्ट इज, मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी या फिर यकीन नहीं करोगी. तो आई वॉज अफ्रेड यू वुडेंट बिलीव मी. नेक्स्ट इज, मैं भी तो यही सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग द सेम. या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग टू. ठीक है. अगला है, देखो मेरा तुम्हें चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है. लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू. इंटेंशन का मतलब होता है इरादा. नेक्स्ट इज, तुम ये सब जानबूझकर क्यों कर रही हो. Why are you doing all this deliberately? Deliberately का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना. ठीक है. अगला सेंटेंस है, चलो चलें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. Let's go, we don't have much time. Let's go, we don't have much time. Next is, अगर तुम अब भी ऐसा करना चाहती हो तो करो. बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस, स्टिल का मतलब अभी भी. ठीक है. अभी भी ऐसा करना चाहती हो तो करो. बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू डू दिस डन डू. नाउ क्विज टाइम फॉर यू.
पहला क्वेश्चन, आपको इन दोनों का ट्रांसलेशन बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ गई होती तो उससे मिल सकती थी। दूसरा क्वेश्चन है, पता नहीं तुम्हें ये किसने बताया पर ये सच नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट योर आंसर्स डाउन बिलो एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच।